हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू याचना साइंस क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द फाइलम नाइडेरिया। टू फाइलम्स वी हैव डन। फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा वी हैव डन, सेकंड वी हैव डन नाइडेरिया दैट इज सिलेंटेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज टिनोफोरा, जो सिलेंटेटा का ही हिस्सा होता था, बट इसकी कुछ गद्दारियों की वजह से इसको सिलेंटेटा से बाहर निकाल दिया गया और इसका एक नया फाइलम बना दिया गया दैट इज टिनोफोरा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, इतना बड़ा फाइलम ये नहीं है, तो आओ उसके बारे में कुछ जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ टिनोफोरा। टिनोफोरा का मीनिंग क्या है? टिनो वर्ड मीन्स कोम्ब, टिनोज वर्ड है ये, इसका मीनिंग होता है कोम्ब। फोरा मीन्स बियरिंग, सो दीज आर कोम्ब बियरिंग एनिमल्स। नाउ यू विल से मैम कोम्ब बियरिंग मीन्स इनके पास कंघी होती है, इट मीन्स इनके हेयर होते होंगे। इट इज़ नॉट देयर, इनके पास कोई कंघी नहीं होती, बस कंघी जैसा स्ट्रक्चर होता है, कोम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज कोम्ब जेलीज, इनको हम कोम्ब जेली बोलते हैं। और दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर रिजेंबल टू वॉलनट, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स की, बेसिक फीचर्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके अंदर, क्या ये थोड़े बहुत एडवांस हैं पोरीफेरा और नाइडेरिया से या नहीं है। लेट्स सी देम। इफ़ यू टॉक अबाउट देयर हैबिटेट देन दे आर एक्वेटिक, तो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुए हैं, ये भी एक्वेटिक ही हैं उनकी तरह। एक्वेटिक में भी दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन, इस बात को माइंड में रखना। एक्सक्लूसिवली मरीन मीन्स सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में कभी नहीं मिलेंगे। ये नाइडेरिया से डिफरेंट थिंग है। नाइडेरिया फ्रेश वाटर में भी थे, लाइक हाइड्रा वॉज इन फ्रेश वाटर, हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप है, बट दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। अच्छा, इस बात को भी ध्यान रखो, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिर्फ तीन ऐसे फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिर्फ सी वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में कभी नहीं मिलेंगे। वो कौन कौन है? फर्स्ट इज टिनोफोरा विच वी आर लर्निंग टुडे, सेकंड इज इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड थर्ड वन इज हेमिकोर्डेटा। दीज आर थ्री फाइलम which are exclusively marine, they never found in fresh water, they don't want any disturbance from us। उन्हें पता है कि फ्रेश वाटर में, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में आसपास ह्यूमन आता रहेगा और हमें डिस्टर्ब करेगा, तो फ्रेश वाटर में कभी नहीं आता। ऑफकोर्स दिस इज नॉट रीजन, बट फॉर लर्निंग पर्पज यू कैन लर्न दिस थिंग। ये तीनों किसी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, इन्हें प्राइवेसी चाहिए, ह्यूमन से बच के रहना चाहते हैं, दैट्स वाई दे लिव इन समुद्र। नेक्स्ट थिंग इज सिलोम, दे आर अ सिलोमेट, कोई एडवांसमेंट नहीं है इनके अंदर, ये भी पोरीफेरा और नाइडेरिया की तरह ही असिलोमेट है। अब असिलोमेट क्या? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से मैं सिलोम करा चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली इसका लिंक भी डालती रहूँगी ताकि तुम्हें बेसिस को ना भूलो। फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ सिलोम क्या होती है। जो बॉडी वॉल होती है, लाइक दिस इज बॉडी वॉल एंड दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये बॉडी वॉल है। सो द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इज नोन एज सिलोम, जिसके बीच में, जिस एनिमल के अंदर एलिमेंट्री और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस होता है वो सिलोमेट होते हैं, और जिनकी में ये नहीं होता है वो असिलोमेट होते हैं, उनके पास सिलोम नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज जर्म लेयर, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव टू जर्म लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, दे डोंट हैव मेसोडर्म, इज ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। अभी कोई एडवांसमेंट नहीं है, यही चीजें तो उनमें थी, कोई नई चीज नहीं आई है। इफ यू टॉक अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम थिंग एज इन वॉट नाइडेरिया, नॉट पोरीफेरा। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, नाइडेरिया और टिनोफोरा दोनों में ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देन बॉडी प्लान, वॉट अबाउट देयर बॉडी प्लान? दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एग्जैक्टली लाइक नाइडेरिया। नाइडेरिया में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। वॉट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? लाइक दिस इज एनी टिनोफोरा एनिमल, और यहाँ पर इसका माउथ है, इसका माउथ नीचे की तरफ होता है, और इसके ये क्या है, ये गट है, या यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ है, ठीक है। तो इसके पास ओनली वन ओपनिंग है, ओनली माउथ इज देयर। हाउ मच इट इज़ वियर्ड,
कि माउथ से ही फूड को लेगा और माउथ से ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालेगा. इट हैज़ नो एनस, इसके पास एनस नहीं है. इट मीन्स इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? इनकम्प्लीट. नेक्स्ट थिंग इज सिमेट्री. दे हैव रेडियल सिमेट्री. दीज एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल. सेम एज लाइक वॉट? नाइडेरिया. तो कुछ भी नई चीज़ नहीं आई है, सबके सब वही बातें हैं जो किस में थी? सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया में थी. नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैम अगर ऑल द थिंग्स आर सेम देन व्हाई दे आर पुट इन सेपरेट फाइलम? तो इनको उनके घर से क्यों निकाल दिया गया, एक अलग घर क्यों दे दिया गया, ये अलग क्यों हो गए टिनोफोरा नाइडेरिया से? अब उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और नोट डाउन द थिंग्स. डन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट देयर नेम कि इनको कोम जेली क्यों बोला जाता है. ऐसा क्या है इनके पास? क्या ये अपनी बॉडी में कोम लिए फिरते हैं? देखते हैं. सी, ये एक टिनोफोरा एनिमल है. यहाँ पर इसका माउथ है, ठीक है. माउथ के ठीक अपोजिट साइड इसके पास टेंटिकल है. दीज आर टेंटिकल्स. एंड टेंटिकल्स पे ऐसे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. दीज आर फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स. क्लियर. नाउ सी, दिस इज माउथ. अब जो इनकी बॉडी है ना, इनकी बॉडी में कुछ प्लेट्स होते हैं. देखो क्या आप कौन सी प्लेट्स हैं. 1, 2, 3 एंड दिस वन इज 4th, ठीक है. अब इन प्लेट्स में इस तरह के जैसे कोई कोम प्रेजेंट है, ऐसे कोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. दीज प्लेट्स आर टोटल 18 नंबर. अब मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकती हूँ. सामने हमें कितनी दिखाई दे रही हैं? 4, और 4 इसकी बैक साइड में है. तो टोटल ये कितनी प्लेट्स हैं? 8 प्लेट्स. सो दीज आर कोम्ब प्लेट्स. इनको क्या बोलते हैं? कोम्ब प्लेट्स. और ये क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ सीलिया. ग्रुप ऑफ सीलिया. एंड दिस इज इट्स माउथ. दिस इज टिंटेकल्स. क्लियर. अच्छा, जो ये टिंटेकल्स होते हैं, इनके पास कुछ और सम सेल्स आर प्रेजेंट. कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. इस साइड भी इसी तरह से लाइक दिस. क्लियर. दीज आर नोन एज कोलोब्लास्ट. दीज आर नोन एज कोलोब्लास्ट, ठीक है. नाउ सी द थिंग्स. इट हैज माउथ बट इट डज नॉट हैव एनी एनस. माउथ है, एनस नहीं है. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल. कोम्ब प्लेट्स. टोटल 8 कोम्ब प्लेट्स आर देयर. 4 दीज एंड 4 बैक साइड. एंड ग्रुप ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट ऑन दीज कोम्ब प्लेट्स. इन कोम्ब प्लेट्स पे सीलिया प्रेजेंट होता है. ग्रुप ऑफ सीलिया जो एक कोम्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कंघी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. इसीलिए इनको कोम्ब जेलीज बोला जाता है, ठीक है. टेंटिकल्स हैं. टेंटिकल्स हो भी सकती है इस फाइलम एनिमल्स के पास और नहीं भी हो सकती. मे बी प्रेजेंट और नॉट. बट ये जो मैंने एनिमल बनाया है, ये बनाया है प्लूरोब्रैकिया. प्लूरोब्रैकिया. इट इज गिवन इन योर NCERT बुक दिस डायग्राम. तो इसके पास टेंटिकल्स होती हैं. कोलोब्लास्ट आर सेल्स विच आर स्टिकी. ये कैसी होती हैं? स्टिकी. रिमेंबर नाइडेरिया. नाइडेरिया नाक की तरह फन फैलाते हैं. उनके पास नाइडोब्लास्ट होती हैं और नाइडोब्लास्ट पॉइजन रिलीज करती है, टॉक्सिन रिलीज करती है. या तो प्रे के एनिमल, जो प्रे एनिमल है उसके अंदर टॉक्सिन रिलीज कर देती है या उसके चारों तरफ रैप कर लेती है. ये क्या करते हैं? ना तो टॉक्सिन रिलीज करते हैं ना रैप होते हैं. ये प्रे के साथ स्टिक कर जाते हैं. जैसे ही प्रे आएगा, कोलोब्लास्ट उसे स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है. सो दीज आर स्टिकी विच स्टिक टू प्रे. प्रे से चिपक जाते हैं अपने शिकार से एंड ईट देम. फिर उनको खा जाते हैं. आई होप ये स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियर है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या लेबलिंग है, किसका क्या फंक्शन है, ठीक है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट दिस डायग्राम. डन. सो कोम जेलीज इनको क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैव
कॉम प्लेट्स, टोटल 18 नंबर कॉम प्लेट्स. नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज विद नाइडेरिया, कि ये नाइडेरिया के साथ क्यों रहते थे, इनके पास ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो नाइडेरिया से मैच करती हैं, कौन कौन से ऐसी सिमिलैरिटीज हैं. सभी बेसिक फीचर्स, ऑल बेसिक फीचर्स मैच विद नाइडेरिया. अभी अभी हमने सभी बेसिक फीचर्स लिखे थे जो सभी नाइडेरिया में भी प्रेजेंट है और टेडोफोरा में भी. कौन कौन से, लाइक फर्स्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल, दोनों के अंदर ही रेडियल सिमेट्री होती है. सेकंड इज बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक, दोनों में टू जम लेयर्स होती हैं, ठीक है. बोथ आर असिलोमेट, दोनों के अंदर ही सिलोम नहीं होती है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज बोथ है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, दोनों के अंदर ही ऐसा होता है कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है. एंड बोथ हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और कुछ बचा क्या? नो, दीज आर सम सिमिलैरिटीज जो नाइडेरिया और स्टिनोफोरा दोनों के अंदर है. अब हम बात करेंगे उन गद्दारियों की जो टिनोफोरा ने सिलेंट्रेटा के साथ की, नाइडेरिया के साथ की. ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इनको उस फाइलम से बाहर निकाल दिया गया और अपना नया घर बनाने के लिए बोल दिया गया. सो दीज आर सम डिफरेंसेस, या यू राइट सिमिलैरिटीज लिखा ना, तो डिससिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज फ्रॉम नाइडेरिया. कौन कौन सी डिससिमिलैरिटीज है? सी, फर्स्ट वन इज दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन. ये मैं बात कर चुकी हूँ कि नाइडेरिया फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, बट टिनोफोरा सिर्फ और सिर्फ मरीन है. नेक्स्ट, दे हैव कोलोब्लास्ट, नाइडेरिया में कोलोब्लास्ट नहीं थी. थर्ड, नो नाइडोब्लास्ट, इनके पास नाइडोब्लास्ट नहीं है और नाइडेरिया में थी. दे आर मोटाइल, ये सभी के सभी मोटाइल हैं और नाइडेरिया में कुछ सिसाइल थे. मोटाइल, ऑल आर मोटाइल, नाइडेरिया में कुछ सिसाइल थे लाइक हाइड्रा, सी एनिमल, ठीक है. नेक्स्ट सिमिलैरिटी, नाइडेरिया में पॉलिप्स बन रहे थे, नो पॉलिप्स, इनके अंदर पॉलिप्स नहीं बनते हैं. नो कॉलोनियल फॉर्म, ना ही कोई कॉलोनी बनती है, अकेले रहना पसंद करते हैं. अब पॉलिप्स क्या है, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं लगाई है, नाइडेरिया को नहीं पढ़ा है, वो सबसे पहले जाके नाइडेरिया को पढ़ें और वहाँ पर पॉलिप के बारे में जानें कि पॉलिप होता क्या है. आई विल ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन ईजिली रीच टू द फाइलम नाइडेरिया एंड यू कैन लर्न अबाउट द पॉलिप्स. नेक्स्ट थिंग, दे हैव ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दे डू ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि नाइडेरिया में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था, ठीक है. दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लेफ्ट, कॉम प्लेट्स, इनके पास क्या प्रेजेंट है? कॉम प्लेट्स प्रेजेंट है, जबकि नाइडेरिया में कोई भी कॉम प्लेट नहीं थी. अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लास्ट में लिख रही हूँ, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस. नाउ ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो, बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, अब मैं इसके बारे में बताती हूँ. सी, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? जो ये ऑर्गेनिज्म टिनोफोरा सी वाटर में रहते हैं, एक्चुअली दे आर लाइक जुगनू, जैसे जुगनू लाइट एमिट करता है ना, ऐसे ही ये भी लाइट एमिट करते हैं. तो बायोल्यूमिनेसेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एनिमल टू एमिट लाइट, लाइट एमिट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस. जब ये डार्क में होते हैं ना, अंदर वाटर में बहुत गहराई में जब भी ये होंगे तो बहुत डार्क होता है, वहाँ पर बहुत चमकते हैं ये,
शाइन करते हैं, लेकिन इनको अगर हम बाहर लाइट में ला के देखेंगे तो जस्ट आर दे आर लाइक ट्रांसपेरेंट थिंग, ऐसा लगता है कुछ ट्रांसपेरेंट सा उठा लिया, वाटर जैसे ही दिखते हैं ये, ठीक है। तो दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। सो व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? इट इज द टेंडेंसी टू एमिट लाइट बाय एन एनिमल। जब कोई एनिमल लाइट एमिट करता है उस टेंडेंसी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है और किसी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, सो दीज आर सम सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ टीनोफोरा विद नाइडेरिया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देन लास्ट थिंग विल डू, सो अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस फाइलम का, और वो लास्ट टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन, कि हाउ दे डू रिप्रोडक्शन। सी, आई टोल्ड यू दे हैव ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ए सेक्सुअल स्टेजेस इनमें नहीं है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अभी तक हम सभी ऑर्गेनिज्म को हर्मोफ्रोडाइट पढ़ रहे हैं सभी एनिमल्स को, तो ये भी कैसे हैं? हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट क्या होते हैं? द एनिमल विच हैव बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल। सपोज ये एक टीनोफोरा है इस तरह से, ठीक है, इसके पास मेल गैमेट भी बन रहा है, फीमेल गैमेट भी बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक और टीनोफोरा बना लो लाइक दिस, इसके पास ये मेल गैमेट भी है और ये फीमेल गैमेट भी है। इट रिलीज इट्स मेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी एंड इट रिलीज इट्स फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी। दे बोथ फ्यूज। सी, इस मीन्स इन्होंने बॉडी से बाहर निकला है तो इनके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों के गैमेट, मतलब दोनों गैमेट एक ऑर्गेनिज्म के फ्यूज नहीं कर रहे हैं तो ये कौन सा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट, ठीक है। अब क्या है कि लार्वा बनेगा, फ्यूजन हो गया है, अब लार्वा स्टेज भी आएगी और इसके लार्वा का क्या नाम है? सीडीपिड लार्वा। सीडीपिड लार्वा, ठीक है। तो जिसके अंदर लार्वा बनता है उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्लियर। सो दिस इज द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ टीनोफोरा। एंड यू रिमेंबर वन थिंग, कि जितने भी एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं ना, उन सभी के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जो मरीन ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर ह्यूमन नहीं जाता, वो प्राइवेसी उनको चाहिए, अकेले रहते हैं, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली मरीन जो ऑर्गेनिजम्स हैं कौन कौन से हैं? टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा, तीनों ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्लियर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। दो तीन छोटी छोटी बातें और बची हैं इसकी, अब हम बात करते हैं इसकी जो हमने थोड़ी सी पहले कर लेनी चाहिए थी, बट इट्स ओके, रिप्रोडक्शन के बाद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इफ यू टॉक अबाउट डाइजेशन, सो दे हैव बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेम नाइडेरिया के अंदर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर भी, इंट्रा सेलुलर भी। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ये मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल मीन्स ओनली माउथ इज प्रेजेंट, नो एनस। If we talk about now respiration, कोई special organ नहीं है और ना ही excretion के लिए कोई special organ है, so respiration and excretion both takes place by general body surface, general body surface, इनकी body surface से ही होता है respiration भी और excretion भी। Now, if we talk about their nervous system, हमने बात की थी पोरीफेरा में कोई न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं था, नाइडेरिया के अंदर न्यूरॉन आ गया था, अपोलर न्यूरॉन था, ठीक है, इसके अंदर भी अपोलर न्यूरॉन है, इट हैज़
a polar neuron and न्यूरोन नेट भी बन गए हैं. न्यूरोन नेट भी थोड़ा बहुत बनना शुरू हो गया है, मीन्स अ लिटल एडवांसमेंट यहाँ पर आई है. ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें टीनोफोरा के बारे में पता होने चाहिए. अब हम इसके लास्ट में एग्जाम्पल लिख लेते हैं. एग्जाम्पल कौन है? एक का तो नाम मैं पहले बता चुकी हूँ, दैट इज प्लूरोब्रैकिया. प्लूरोब्रैकिया. एक और है टीनोप्लेना. एनसीईआरटी सिर्फ प्लूरोब्रैकिया की बात कर रही है. एक एग्जाम्पल और तुम कर सकते हो टीनोप्लेना. ठीक है. अच्छा, एक बात तुमने नोटिस की कि जब हमने ये ऑर्गेनिज्म बनाया है तो इसके जो टिंटेकल्स हैं वो माउथ की अपोजिट साइड में है. टिंटेकल्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ माउथ. एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है इनके माउथ की अपोजिट साइड में, उस स्ट्रक्चर का नाम है स्टेटोसिस्ट. इसको ऑर्गन नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तक इसमें टिश्यू ही बना है, ऑर्गन नहीं बना है. स्टेटोसिस्ट इज द स्ट्रक्चर टू बैलेंस. बैलेंसिंग का काम करता है स्टेटोसिस्ट. इट डू द वर्क ऑफ बैलेंसिंग. बैलेंस बना के रखता है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फाइलम टीनोफोरा. आई होप टूडेज कंटेंट इज वेरी क्लियर टू यू. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लीव इट इन कमेंट सेक्शन. आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर ऑल डाउट्स. And if you want to study biology like this, if you want to make interest in biology, then you study with me. And please subscribe my channel for further upcoming videos and press like button if you really like the content. Thank you everybody.